सिर पर आकर बात कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, जिस तरह हमारे असेंबली मेंबरान ने एक वाकये को लेके, जिस पे हमें काफ़ी हमदर्दी भी है, हमारे इलाके की शख्सियत थी, और बेशक के हमारे उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफ थे, उनके अफकार से हम मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन एक फोतगी हुई उस पर हमें जो है हमदर्दी है और हमने हमदर्दी का इजहार भी किया है। जनाब स्पीकर, कुछ अरसे से 3-4 वाकियात हुए हैं और बदकिस्मती से उन्हीं वाकियात को लेकर एक गलत रंग देना, उन्हीं वाकियात को लेके सियासत करना, और बदकिस्मती से वो वाकियात इस तरह के हैं जिसमें इंसानी जानें भी ज़ाये हुई हैं और लाशों पे जो है वो एक सिलसिला, एक सियासत का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। किस्सा शुरू हुआ है एक डकैती की वारदात से, जहाँ पे कुछ चोर एक घर में घुसते हैं, वहाँ पे एक वारदात करने की कोशिश करते हैं और घर की मजामत पे वो एक औरत शहीद होती है। इसके बाद हमसाए और घर वाले हिम्मत करके उस चोर को पकड़ लेते हैं और एक शायद भाग जाता है। 2 घंटे बाद पुलिस जाके दूसरे जो मुलजम है उसको पकड़ लेती है। फिर 3-4 दिन बाद जो उनका सरगुना था, जो एबेटर था, वो भी पकड़ा जाता है। उन पे एक कानूनी कार्रवाई होती है, सजाएं भी पाते हैं, लेकिन उस पर सियासत हो जाती है, उस पे स्टेट को भी मुलायम किया जाता है, उस पे हुकूमत को मुलायम किया जाता है, उसको तरह तरह से जो है एक शक्ल बना के पेश करने की कोशिश की जाती है। जनाब स्पीकर, इस वाक्य के बाद एक और वाक्या हो जाता है जिस पे हम सब उस पे जो है मुजम्मत कर चुके हैं, हरा अंक अशक भारती आयात बलोच का, और वो बदकिस्मती से एक लॉ इन्फोर्समेंट हमारी एजेंसी है उसके एहलकार ने वो वाक्या कर दिया था। एक इंसिडेंट हुआ था, उसका बैकग्राउंड ये है। तो इस इंसिडेंट पे जो है वो बच्चा जो है शहीद हो जाता है और उस पर पूरी हमारी जितनी भी सोसाइटी है, हमारी असेंबली है, पूरी जो है पाकिस्तानी, सब ने उसकी मुजम्मत की। 2 घंटे बाद उस एहलकार को पुलिस पकड़ लेती है और कोई हफ्ता पहले उस एहलकार को जो है सजाए मौत सुनाई जाती है। लेकिन जब ये वाकया होता है तो हमारे लोग वायवला मचा देते हैं कि ये खुदा ना खास्ता स्टेट इंस्टीट्यूशन ने डिलिबरेटली उस बच्चे को जानबूझ के शहीद किया। लेकिन जब कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है और उस कल्प्रेट को सजा मिलती है, मैंने एक भी अल्फाज, एक भी जो है बयान किसी से नहीं सुना कि आज कानून का जो है बोलबाला हो, आज वो हौसला अफजाई करें उस हयात शहीद की फैमिली से कि जिनको इंसाफ मिला है, किसी ने कोई नहीं की। उस वक्त सियासत चमकाया। जनाब स्पीकर, पिछले महीने एक वाकया हो जाता है कनाडा में, जिसकी पुलिस रिपोर्ट भी आ गई है। अल्लाह वालम वहाँ के पुलिस का क्या निज़ाम है, किस तरह वो तहकीकत करते हैं, लेकिन हमें सबको मालूम है कि जो हमारी वेस्ट के ममालिक हैं वहाँ उनकी पुलिस जो है ऑटोनमस है, वो जो भी वाकियात होती है उनके तह तक पहुँच जाती है। उस वाक्य को लेके जब उसकी लाश यहाँ पहुँचती है, जनाब स्पीकर, अब एक बैकग्राउंड बनाया जाता है, एक माहौल बना दिया जाता है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की जो है इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से उठ के कैनेडा में जाके वहाँ पे ये कार्रवाई करी और जिम्मेदार जो है हमारे इंस्टीट्यूशन। एक माहौल, एक पर्सपेक्टिव बनाया जाता है पूरी सोशल मीडिया में, हर जगह पे। तो जनाब स्पीकर, एक लाश आती है, लाश सबके लिए काबिल एहतराम है, हम सब ने मरना है, हम सब ने जो है ज़मीन के जो है सुपुर्द होना है, और इंसानी हवाले से, मजहबी हवाले से जब लाश आती है यहाँ पे, तो क्या हकूमत वक्त सिक्योरिटी मैयर्स ना लें, जानते हुए कि एक माहौल बन गया है,
एक माहौल बना दिया गया है कि उस माहौल से फ़ायदा उठाकर हुकूमत वक्त को ये अंदाज़ा हो जाता है, ये जो है एक प्रियम्प्ट कर लेता है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई मिसहैप हो जाए तो हम जो हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो इस सिक्योरिटी मेजर्स ले। हुकूमत ने, किसी ने उस लाश को खुदा न खास्ता ना अगवा किया, ना उसको अपनी तहवील में लिया, ना कोई और उसका एजेंडा था। मकसद ये था कि उस लाश को बहिफाजत बहिफाजत लवाहिकीन के साथ उनके आबाई गांव पहुंचा दे। मेरा ख्याल है कि दुनिया की जहां भी हुकूमतें होती हैं, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई लाइन ऑर्डर का इशू आ जाए तो उन्हें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स देने पड़ते हैं। अब किसी के लाश को बाइज्जत उठा के तुम्प ले जाना क्या कोई जुर्म था? क्या इसमें हुकूमत ने कोई गुनाह किया? क्या इसमें खुदा ना खास्ता कौन सी बेहरमती वाला फैक्टर आ जाता है? कोई मुझे बताए। हाँ, अलबत्ता मैं भी सोशल मीडिया भी देखता हूँ, सब ने देखा होगा, वहाँ पे जब उसकी तदफीन हुई उसकी फैमिली के हाथों, पहली दफ़ा ख़वातीन ने भी शिरकत की। हमारे बलूच माशरे में कभी भी जनाजे में ख़वातीन शिरकत नहीं करते, लेकिन इस तदफीन में शिरकत की। तुम के सारे लोकल्स आए, उन्होंने शिरकत की। कराची में गायबान नमाज जनाजा हुआ, तुरबत में गायबान नमाज जनाजा हुआ, ग्वादर में गायबान नमाज जनाजा हुआ। आया किसी ने, किसी पुलिस, किसी लेवीज, किसी ने जाके कोई मुदाखलत की, उनको मुंतशर किया? कुछ भी नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से हम ताक में लगे होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई वाकया हो जाए और उस पे हम सियासत करें। जनाब स्पीकर, हमारे एक दोस्त ने एक तारीखी पर्सपेक्टिव बयान किया। अंग्रेज जब मकरान आया था तो एक लड़ाई हुई थी गोकप्रोश की, बलूच खान नौशरवानी की सरबराई में, और बदकिस्मती से कहूँ या खुशकिस्मती से कहूँ, उसमें मेरे दो आबा व अजदाद भी शामिल थे जो शहीद हो गए थे, बालाच और अब्दुल कादिर। जो अंग्रेज ने उनकी लाशों के साथ किया वो भी तारीख गवाह है। उनके पास तलवारें थी, उनके पास बड़े तोपखाने थे, और उन्होंने तोपों से जो उनकी लाशों का किया वो मुझे पता है। मैं इतना बड़ा तारीखदार भी नहीं हूँ, ना मेरी इतनी बड़ी मुतालिया है, लेकिन जो हकायक मैं बता रहा हूँ। इसके बाद फिर उनकी लवाहिकीन को किसी महफूज मकाम में पहुँचा देगा, वो उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन ये मैं ज़रूर पूछूंगा, उस तारीखी पस मंज़र को और एक सिक्योरिटी मैयर हैं उसको मवाजना करना और ये साबित करने की कोशिश करना कि खुदा न खास्ता उसको जो है एक बड़ी जो है बड़ा मामला इस तरह हुआ है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन ने जाके वहाँ पे कर दिया है। जनाब स्पीकर, मैं भी उस इलाके का हूँ, मुझे भी उसी तरह हमदर्दी है जिस तरह बाकियों को है। मेरा भी उसकी फैमिली के साथ फैमिली टर्म्स भी हैं। मैं उनके घर में फातिहे के लिए भी गया हूँ, जब उनका चाचा जो है दुनिया से रुख्सत करके गए, मैं उनके घर भी गया हूँ। लेकिन खुदा रा सर, हकायक को मजाक ना करें, हकायक को, वाकियात को लेकर आप अपने मुल्क को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने जो हैं मामलात को ख़राब ना करें। ये क्या ये चीज़ें जो हम यहाँ पे बैठ के करते हैं, क्या ये किसी हमारे एजेंडे पे, इस मुल्क के जो है इंटरेस्ट पे हो रहा है, या इस मुल्क के इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है? या हम, मैं ये कहने के लिए हक बजाने भूगा, ये कहीं किसी स्क्रिप्ट पे तो अमल नहीं कर रहे, कहीं हिदायत तो नहीं आ रही कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा कर दो और इश्यूज खड़ा कर दो, हंगामे करवा दो, जलसे जुलूस करवा दो। अब इंतजार करें कि जिस मुल्क में वाकया हुआ है वो उस मुल्क के जो है अदारों पे हमारा को तो दस्तरस नहीं है। उन्होंने एक इनिशियल रिपोर्ट दे दिए, फाइनल रिपोर्ट अगर उनके जो भी तरीका कार है मुझे नहीं पता, वो आ जाएगी, सब पता चल जाएगा। इससे पहले हंगामा किस चीज का? इससे पहले एक लाश को लेके एक माहौल बनाना, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो अवाम की जो जज्बात हैं उसको उबारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं? जनाब स्पीकर,
मुझे भी पता है, यहां से बहुत से लोगों को पता है, मैं जानता हूं वहां के मारूजी हकायक, मुझे भी वहां पे मालूम है, कोई इस तरह का कदगन नहीं हुआ है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि एक स्ट्रेचर को चार खातून पता नहीं कहाँ की है, उधर की थी या बाहर की थी या किस तरह की थी, वो ले जा रहे हैं और सोशल मीडिया में चल रहा है कि जी देखें ये खुदा ना खास्ता कैसा बड़ा गैर इस्लामी गैर बलूची वाकया हो गया है कि मर्दों को उसकी लाश उठाने के लिए नहीं छोड़ा और औरतों ने उठाया। उधर ही सोशल मीडिया में ये भी नजर आ रहा है कि वहां पे सैकड़ों लोग उसकी लाश को ले जाके दफन कर रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है? और वो मैं देख रहा था कि बहुत से जो है नॉन पर्सनैलिटीज को ट्वीट कर रहे हैं। तो इससे क्या, अब मैं एज अ ले मैन, एज आम आदमी, आप ऐसे क्या जो है सर, आप भी सोशल मीडिया में क्या सर, क्या उसे आप खास करेंगे कि क्या करना चाहते हैं? तो जनाब स्पीकर, हमें सबको हमदर्दी है, हमारी उसकी अफकार उसकी नजरिया उससे हमें इख्तलाफ है, बाकी हमारी बहन थी, हमारे लिए हमारी इज्जत थी, हम उसकी उसकी फैमिली की कदर करते हैं, उसको इंतहाई जो है हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन खुदा के लिए आपके तवसुत से मेरे इन दोस्तों से गुजारिश है कि अब लाशों की सियासत से आगे बढ़े। अब एक अवाम को, एक सूबे को एक रास्ता दिखाएं। आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, आपको इस सूबे के लोगों ने इज्जत दी हुई है, आपको अपना रहनुमा चुना है ताकि आप उनको एक अच्छे जो है मंजिल तक ले जाएं। आप अपोजिशन में हैं, आपका काम है हुकूमत को सही रास्ता दिखाना, आपका काम ये नहीं है कि चीजों को जो है मिसलीड करना, चीजों को अकायद को मसख करना, ये आपका काम नहीं है। तो मैं आखिर में गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए फॉर गॉड सेक हमें सियासत करनी है तो जिम्मेदारी के साथ करें, हम जो हैं इस लाशों की सियासत से आगे निकलें। थैंक यू। शुक्रिया बलेदी साहब।